हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज आपको प्रतिशत के चार सवाल कराने वाला हूं। और फ्रेंड्स, आप इन चार सवाल को समझने के बाद किसी भी संख्या का प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड देखिए, प्रतिशत आप इसका मतलब तो जानते होंगे, यानी कि किसी भी संख्या का 100वां भाग हमारा प्रतिशत कहलाता है। तो फ्रेंड देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है प्रतिशत, यानी कि प्रत्येक 100 पर निकालना हमारा प्रतिशत कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पहले सवाल की। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा 500 का 20%, यानी कि फ्रेंड्स हमें बताना है कि 500 का 20% कितना होगा। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, यहां पर बराबर का निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, हमें लिख लेना है पहले 500, यानी कि जितना भी हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, हम लिख लेंगे 500। अब फ्रेंड्स, अब क्या करना है, इस का के निशान को गुणा में बदल देना है। तो फ्रेंड्स, यहां पर लिख लेंगे गुणा का निशान। अब फ्रेंड्स, इसका बोल रहे हैं 20%, तो फ्रेंड्स यहां पर लिख लेंगे 20। अब फ्रेंड देखिए, इसके आगे परसेंट का साइन लगाए, तो फ्रेंड्स हम प्रतिशत के साइन को हटाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा बटे में 100 चला जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर निकालना। अब फ्रेंड देखिए, इन्हें सोल्व कर लेंगे, ये दो जीरो से हमारी ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो फ्रेंड्स हमारा बचेगा 5 × 20। तो फ्रेंड्स 5 और 20 की गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा कितना आएगा, 5 × 2 = 10, ये आ जाएगा हमारा 10 और 0 की 0, यानी कि फ्रेंड्स हमारा 500 का 20% आ जाएगा 100, यही हमारा आंसर होगा। और फ्रेंड्स, इसके आगे प्रतिशत मत लगाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसका परसेंट ही तो निकाला है। तो फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा 500 का 20% होगा हमारा 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1500 का 12% कितना होगा। तो फ्रेंड्स, इसे भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे बराबर का निशान। हमें लिखना है सबसे पहले 1500, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1500 लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, इस का के निशान को गुणा में बदल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लगा लेंगे गुणा का निशान। अब फ्रेंड्स, लिखेंगे इसका 12%, क्योंकि फ्रेंड्स हमें कितना निकालना है, इसका 12% निकालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख लेंगे 12, और जब फ्रेंड्स परसेंट के साइन को हटाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा बटे में 100 चला जाएगा, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा हमारा 100। अब फ्रेंड देखिए, ये दो जीरो से हमारी ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो फ्रेंड्स हमारा बचेगा 15 × 12। तो फ्रेंड देखिए, 15 और 12 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 15 × 15 = 30, 30 की आ जाएगी 0 और हाथ से लग जाएगा हमारा 3। 15 × 15 = 15 और 3, ये हो जाएगा हमारा 18, यानी कि फ्रेंड जो हमारा 1500 का 12% होगा वह हमारा 180 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, ये हमारे एकदम इजी क्वेश्चन थे। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इनसे और अलग क्वेश्चन की। अब फ्रेंड्स, अब आता है हमारा तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए, तीसरे और चौथा क्वेश्चन हमारे बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि फ्रेंड्स तीसरे क्वेश्चन में हमारी कोई ऐसी जीरो नहीं है जिससे हम इन्हें काट के आसानी से सोल्व कर लें। और फ्रेंड देखिए, चौथे क्वेश्चन में हमारा पॉइंट वाला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड देखिए, बात करते हैं सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा 153 का 15% कितना होगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर लिख लेंगे 153 और का के निशान को गुणा में बदल लेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेंगे गुणा। हमें कितना निकालना है इसका, हमें निकालना है 15%, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेंगे 15। और देखिए फ्रेंड्स, परसेंट का साइन हटाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा बटे में 100 चला जाएगा, तो बटे में लिख लेंगे 100। अब फ्रेंड देखिए, अब हमारी ऊपर कोई जीरो नहीं है, तो फ्रेंड्स हम जीरो को नहीं काट सकते हैं, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे और इससे भाग देंगे। तो फ्रेंड देखिए, गुणा करेंगे, तो फ्रेंड देखिए 153 और 15 की गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा कितना आएगा, 15 × 15 = 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, यानी कि आएगा हमारा 45 × 5 और यहां से लग जाएगा हमारा 4। तो फ्रेंड देखिए, 15 की गुणा करेंगे 5 में, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 75 और 4, ये हो जाएगा हमारा 79। तो फ्रेंड्स, यहाँ जाएगा 9 और हाथ से लग जाएगा हमारा 7। अब फ्रेंड देखिए, 15 की गुणा करेंगे 1 में, 15 × 15, 15 और 7, ये हो जाएगा हमारा 22, यहाँ पर लिख लेंगे 22। अब फ्रेंड देखिए, बटे में 100 चल रहा है तो बटे में 100 लिख लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, जब भी हम किसी संख्या में 100 से भाग करते हैं तो फ्रेंड जो हमारी संख्या होती है ऊपर वाली, उसमें इस साइड से दशमलव बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें कितनी जीरो है, इसमें दो जीरो है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस साइड से इस संख्या में पॉइंट लगा देंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारे नीचे दो जीरो है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस संख्या में इस साइड से दो संख्या छोड़ेंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारा आ जाएगा 22.95, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा 153 का जो 15% होगा वह हमारा 22.95 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं चौथे सवाल की। देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा 400 का 2.5% कितना होगा, यानी कि फ्रेंड्स हमें 400 का 2.5% निकालना है कि यह कितना होगा। तो फ्रेंड देखिए, इसे भी ऐसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 400 और का के निशान को बदल देंगे गुणा में। अब फ्रेंड देखिए, हमें निकालना है इसका 2.5%, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेंगे 2.5 और बटे में लिख देंगे 100, क्योंकि परसेंट का साइन हटेगा तो फ्रेंड्स हमारा बटे में 100 चला जाएगा। अब फ्रेंड देखिए, ये दो जीरो से हमारी ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 4 ×
2.5। अब फ्रेंड देखिए पॉइंट को हटा लेते हैं, तो फ्रेंड जब पॉइंट को हटाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा बटे में 10 चला जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स दशमलव के बाद एक संख्या है, तो फ्रेंड्स इसलिए हमारा बटे में 10 चला जाएगा। अब फ्रेंड देखिए 4 और 25 की गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स ये कितना आएगा हमारा, 25 चौका होता है हमारा 100, तो यहाँ पर लिख लेंगे 100 और बटे में चल रहा है 10, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो फ्रेंड देखिए 10 से हमारी 10 कैंसिल हो जाएगी, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा 10, यानी कि फ्रेंड 400 का जो 2.5% होगा वह हमारा 10 होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप किसी भी संख्या का प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।